एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे वीडियो को जो लोग लाइक शेयर और फॉलो नहीं किए वो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और मैं आप लोगों को बिना वीजा बिना टिकट का आप लोगों को दुबई का मेला घुमा रही हूँ। आप लोग को ये देखिए, आप लोग घर बैठे दुबई का मेला घूम सकते हैं, दुबई सिटी और 2024 का। और ये देखिए, हम लोग ग्रुप के साथ आए हैं और हम लोग कभी भी कहीं भी कहीं जाते तो प्लानिंग करके नहीं जाते, सडनली बनाते हैं और सडनली हम लोग निकल जाते हैं। और आप लोग को बिना टिकट का बस आप लोग को दुबई का मेला घुमाने जा रही हैं। अगर आई होप आप सब मेरे वीडियो में गाइस बने रहिए, मैं अंत तक आप लोग को पूरा प्रॉपरली व्यू दिखाऊंगी। ये देखिए, हम लोग सारे ग्रुप में हैं, टिकट ले चुके हैं। ओनली सिर्फ 20 रुपीज का टिकट है और बिना वीजा का है, बिना फ्लाइट का। मैं आप लोग को दुबई सिटी का ये दिखाएंगे। ये देखिए, एंट्री गेट है और हम लोग सब आ रहे हैं, हम लोग सब जा रहे हैं, घुस रहे हैं। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, बच्चों के लिए खास करके बहुत अच्छा है। और ये सुबह, सॉरी, शाम के टाइम का है तो सीन इतना सुंदर है, और जब नाइट हो जाएगी तो कितना सुंदर लगेगा। ये देखिए, हम लोग सब एंट्री कर रहे हैं। और एक चीज तो है, बच्चों लोग के साथ जाने में तो थोड़ा तो दिक्कत होती रहती है, बट इस ओके, बट मजा भी आता है। ये देखिए गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं और इतना सुंदर है, महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग दुबई में नहीं है, हम लोग बोकारो में है। बट इतना अच्छा लगा ना, हम लोग को लग रहा था कि हम लोग दुबई में है। और ये देखिए, व्यू ऊपर से कितना अच्छा, प्यारा और सुंदर लग रहा है। बच्चे लोग बहुत अच्छा एंजॉय किए हैं। और पहले गणेश जी है और दुबई सिटी का लुक है, बहुत मजा आया। और आई होप आप लोग को, अगर नहीं गए हैं तो जल्दी से आप जाइए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सुंदर है ये जगह, मेला मेला भी है लगा हुआ है। और ये देखिए टावर इस, और ग्रुप के साथ फोटो हम लोग लिए। मैं इतना कम ली हूँ क्योंकि मुझे, जब मैं फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो मैं अपना कम लेती हूँ, मैं ग्रुप में ज्यादा लेती हूँ। ज्यादा मैं बच्चे लोग का मेमोरी कैप्चर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों लोग के ग्रुप में। और ये देखिए बच्चे कितने अच्छा इंजॉय कर रहे हैं। और वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि आज मेरा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर मत होइएगा। और ये देखिए बच्चे लोग तीनों पूरा इंजॉय कर रहे हैं, व्यू तो काफी काफी अच्छा है। और ये मैं दिखा दे रही हूँ कि हम लोग आए हैं, बच्चे भी हैं, तीन बच्चे, हम लोग तीन छह गए थे। और ग्रुप के साथ जाने में तो और ही अच्छा लगता है और इंजॉय भी अच्छा से कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, दोनों बच्चे, ये लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड है। ये छोटू सो गोलू बोलू गोलू लड्डू, मैं इसे प्यार से बहुत लड्डू बोलती हूँ, मेरा बच्चा छोटी सब कोई है। और एक चीज है, मेला में जाने के बाद यहाँ बच्चे लोग बहुत एक चीज का परेशान करते, झूले का। सारी मम्मियाँ पेरेंट्स परेशान हो चुके थे। ये देखिए, हम लोग इधर उधर घूमने से अच्छा पहले बच्चे लोग को एंजॉय करवा देती हूँ। सारे बच्चे वो झूला में झूलना था तो जल्दी जल्दी से मैं लोग को झूला झूलाने ले जा रही हूँ। और गाइस, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड फॉलो मी एवरीवन, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। गणेश जी हैं और बहुत अच्छा मूर्ति है और बहुत सुकून मिलता है जब रखा हुआ मूर्ति, सॉरी, गणेश जी या कोई मूर्ति रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए गाइस, अभी न्यू ओपन हुआ है, उतना नहीं लगा बट जितना भी लगा बहुत अच्छा है। और कौन कौन ये झूले में चढ़ते हैं, जाते हैं, मजा लगता है इसमें चढ़ने में, वो लोग कमेंट कीजिए। और ये देखिए, दिल्ली स्टॉल लगा हुआ है यहाँ, इतना अच्छा अच्छा स्टॉल लगा हुआ था, बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे लेकिन मेरे बजट से बाहर थे क्योंकि भाई मैं मिडिल क्लास की हूँ, मुझे बजट के दायरे में मुझे अच्छा लगता है, ज्यादा बजट तोड़ के मुझे लेना पसंद नहीं है। और ये सब क्या है, ये सब लेने के बाद तो धरा का धरा रह जाता है, इसलिए मैं ये सब लेती नहीं हूँ। और उतना मुझे हॉबी भी नहीं है ये सब लेना कि हाँ चलो ले लूँ और रखे रहो, ऐसा नहीं है। बट सारे सामान यहाँ के बहुत अच्छे थे, पर्स से लेके क्लॉथ से लेके जितना चीज यहाँ मिला था बहुत अच्छे और बहुत सारा सुंदर था। और ये मसाज मशीन था, इतना हल्का था और बहुत ज्यादा प्राइस था, पैकेट से बाहर प्राइस था, और लेकिन सामान बहुत अच्छा थे। ये देखिए स्टूल, और खास करके लड़कियों के सामान, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर इयररिंग थे, रिंग थे, बहुत सुंदर था।
जो लोग मिडिल क्लास के हैं वो लोग समझ सकते हैं भाई, बजट से बाहर ये हो नहीं सकता है। और हम लोग मेला वगैरह घूम लिए हैं बहुत अच्छा से, और बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और ये देखिए हम लोग को हो गया है और हम लोग वापस जा रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं। देखिए बाहर का भी व्यू कितना अच्छा है, बहुत हम लोग मस्ती किए हैं और बहुत अच्छा लगा। कम कब टाइम निकल गया पता भी नहीं चला। और हम लोग ग्रुप का पिक ले रहे हैं, और हम लोग सारे ग्रुप का, ये देखिए एवरीवन, सारे हम लोग फोटो शूट करवाए हैं, फोटो लिए हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और हम सबसे अच्छा मजेदार हम लोग को ये लगा कि लोग व्यू भी इतना अच्छा है ना, हम लोग भूल ही गए कि घर भी जाना है, घर में भी जाके खाना बनाना है ना। जो लोग घर में है उन लोग के लिए मतलब मो गए, इतना अच्छा यहाँ पे लगा। और कोशिश करेंगे जब बच्चे लोग को छुट्टी हो जाएगी प्रॉपरली, तब हम लोग फिर से जाएंगे, कोशिश करेंगे जाने का, इंजॉय है। ये देखिए मेरा बच्चा हमेशा फोटो खिंचाने एकदम आंखें क्लोज कर लेते हैं। लोग जंपिंग कर रहे हैं, जंपिंग है, मिकी माउस है, इन लोग सब में इंजॉय करवा दिए। उसके बाद हम लोग बोले चलो घर की तरफ, सारे फोटो आप लोग को दिखा देती हूँ कैसे है। और एक चीज है कि हम लोग गए मेला में, बहुत सारे फोटो क्लिक किए, और हम लोग पे एक यूट्यूबर मिल गई जिसका नाम है, बोकारो से है, साइकिल गर्ल प्रीति। मुझे मिल के बहुत खुशी हुई, और मैंने उनके साथ बहुत सारे पिक्चर भी लिए। ये देखिए उनका पिक है, और इनका फोटो मतलब इनका वीडियो बहुत अच्छा बनता है, बनाती है, और मैं हमेशा देखती हूँ। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर एंड